तो दोस्तों आज 4 बज के अभी 40 मिनट हुआ है, पता नहीं 40 मिनट हुआ था थोड़ी देर पहले, अभी कितना बजा है पता नहीं। तो ये सुबह अभी तक सूरज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा आँखों का हालत देखे क्या लगता है, मुझे नींद नहीं आ रहा है भाई, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। तो चलो चलते आज एक बनाते हैं वीडियो, ठीक है, देखते बाहर का माहौल कैसा है। तो अभी मैं चुपचाप निकल जाऊंगा घर से, घर का गेट खोलूंगा और चुपचाप आराम से निकल जाऊंगा। तो दोस्तों मैंने अभी घर का गेट खोल लिया है और बाहर मैं जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, जो पहन के मैं सो रहा था वही पहन के निकल जाऊंगा। तो दोस्तों अभी अपने स्ट्रॉन्ग को बाहर निकाल लिया है और हम भी रेडी है। रेडी मतलब क्या, चप्पल पहना है जो पहना था रात को वही पहन के रखा है, मतलब इतना अंधेरा है यार। तो अभी तक सूरज उगा नहीं है, तो देखते हैं सूरज कब तक उगता है, क्योंकि बाहर ही रहने वाले हैं हम आज, क्योंकि नींद नहीं आ रहा है यार। तो अभी मुझे धीरे धीरे निकलना पड़ेगा क्योंकि इधर पे गेट पे लगा है ताला और इधर से ही जाना पड़ेगा मुझको। तो दोस्तों हमारा जो सेट प्लस सिक्योरिटी है वो यहाँ पे तैनात है, ठीक है। ओए 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 चिल्ला चीज कर रहे सारत, तो ये सारा रात चिल्ला रहा था क्योंकि ये हमारा सिक्योरिटी है। तो चलो चलते हैं, लोग बोलते हैं कि ये पागल हो गया, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को काटता है जिन पे शक होता है, ठीक है। अच्छा इसका ये लगता है इसका पार्टनर है, चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और गियर अभी लो पे है, मतलब लो पे, ज़्यादा लो पे नहीं है। तो चलो गियर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। एक तो बात है यार, अभी कुत्ते बहुत मिलेंगे रोड पे, बस किसी को मैं पसंद ना आ जाओ बस। ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा है क्या चल रहा है इन लोगों का। तो चलते हैं यार, ये देखो ये एक और। तो सुबह का माहौल है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, लेकिन गर्मी का मौसम है। ओके ये अभी गर्मी का मौसम है, कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। चलो थोड़ा सा मस्त जगह पे चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ओ दोस्तों अभी इधर से व्यू देखो, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा तो तुम्हारा भाई क्यों नहीं सो रहा है, क्यों नहीं सो रहा, क्यों सो नहीं पा रहा, उसको भी नहीं पता, बस इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जा रहा है R15 के, उसको बहुत पसंद है R15। तो दोस्तों आज सुबह का सूरज देख के जाएंगे, बस घर पे किसी को ना पता चल जाए। मैं तो जाऊंगा फिर से वापस सो जाऊंगा चुपचाप। पता है ये वीडियो बहुत बोरिंग चल रहा है, बोरिंग ही चल रहा है ये वीडियो, क्योंकि इस पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, बस मैं चूतिया हूँ जो घूम रहा हूँ सुबह इस टाइम पे जब कोई नहीं रहता रोड पे। तो रोड बिल्कुल ही खाली है वैसे भी, अरे यार बंदा दिख गया, रोड खाली बोल रहा था बंदा दिख गया यार। तो दोस्तों अभी देखो सुबह रोड बिल्कुल खाली है, दूर से दूर कोई नहीं दिख रहा, पेड़ में खजूर है, मतलब खजूर का पेड़ है, और मज़ा भी आ रहा है घूमने में, थोड़ा सा ठंडी ठंडी का मौसम वाला फील आ रहा है। तो उस तरफ आसमान थोड़ा सा रेड रेड हो रहा है और इस तरफ थोड़ा सा नीला नीला है, तो लग रहा है सूरज इसी साइड से उगता है, मुझे पता नहीं है भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इधर पे कौन सी साइड क्या है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई उधर से रेड हो रहा है, मतलब उधर से ही उगेगा लगता है। तो ये जगह
मैं अक्सर आता रहता हूँ। तो अभी इधर से ही उगेगा सूरज, कब उगेगा देखते हैं। और ये है वो वाला प्लेस जहाँ पे हम आते हैं अक्सर। साला ये सूरज उगता कब है यार? ये तो उजाला हो गया, देखो आसमान भी देखो, इतना सारा उजाला हो गया यार, फिर भी सूरज नहीं दिख रहा, उगता कब है ये? तो बहुत देर तक व्हीली प्रैक्टिस किया, व्हीली प्रैक्टिस करते गया, टायर बिल्कुल गंदा हो गया, आगे का भी पीछे का भी दोनों टायर गंदे कर लिए यार, क्योंकि बारिश का मौसम है यार, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश के वजह से हो गया है, पानी जम गया है, ठीक है, तो टायर वायर गंदा हो जाता है, साइकिल भी गंदा हो जाता है, इसीलिए हम नहीं निकालते यार बारिश के टाइम पे। सो निकाल लिया आज, तो चलो अभी दूसरे साइड पे चलते हैं, यहाँ पे और कितनी देर रहे बताओ। तो दोस्तों मैं स्टॉर्म का टॉप स्पीड निकाल रहा था, टॉप स्पीड निकालते निकालते उधर से सूरज निकल गया यार, तो उधर पे देखो सूरज निकला है और रोड भाई बिल्कुल खाली है और मैं हाँफ गया हूँ भाई। तो सुबह का आसमान कुछ ऐसा दिख रहा है और सूरज बहुत दूर दिख रहा है, वो रहा सूरज जो दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है। तो चलो अभी चलते तो देखते कितना कितना गंदा हुआ, तो टायर पे थोड़ी सी गंदगी लगी है और ये नीचे के फ्रेम में थोड़ी गंदगी लगी है, बाकी कुछ नहीं। तो सुबह के टाइम पे स्टॉर्म चल रहा है अपने आप, हम बैठे हैं यहाँ पे, सूरज उगा है यहाँ पे, कोहरा छाया हुआ है, आप ऊपर आसमान साफ है, वहाँ पे चचा भाग रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं बस। भाई साहब सबसे सूरज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बट एक बार भी सूरज ठीक से दिख नहीं रहा है, इससे तो अच्छा भाई व्यू है आसपास का, ये पेड़ पे चढ़ने का मन कर रहा है लेकिन नहीं चढ़ेंगे, वैसे पानी के ऊपर से ले जाएंगे क्योंकि इसके जो चक्के हैं बहुत ही गंदे हो गए थे यार, अभी साफ हो गए हैं चक्के बहुत ही मस्त तरीके से, पीछे देख सकते हो बहन की लौड़ी आ रही है, तो इसीलिए फ़ोन को फिर से वापस रख लेंगे क्योंकि ये लोग देखते नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं। मेरे पास से अभी जाने वाले हैं लौड़ी, क्योंकि कुत्ता भी भाग रहा है देख के, ये हॉर्न और ये लोग निकल रहे हैं ऐसे ही, गो स्लो ओके, चलिए गो स्लो, मतलब धीरे धीरे चलते हैं। तो बहुत देर चलाया और अभी सूरज भी बहुत ऊपर आ चुका है, अभी दिल कर रहा है कि सो जाऊं यहीं पे रोड पे सो जाऊं, पर क्या करें घर तो जाना ही पड़ेगा, तो धीरे धीरे चले जाते हैं हम घर पे, उसके बाद सो लेते हैं थोड़ा सा भाई, क्योंकि तो नींद नाम की कोई चीज़ है जो ज़िंदगी में है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चारों तरफ बहुत ही शांत था, अचानक से मैं मछली के बाजार के बीच में आ गया था, वहाँ पे लोगों ने इतना चिल्लाया कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो अभी सोना पड़ेगा, घर पे जाके सो जाऊँगा और फिर उठ जाऊँगा। ओ भाई साहब अगर सामने देखते तो पता चलता कितना बढ़िया टर्न मारा। तो मेरे दोस्तों सामने का माहौल जम चुका है बिल्कुल, अभी चले करते हैं थोड़ा सा चूतिया बंदी। ओ ये मारा वन हैंड लीन, चलिए ये लीन मारा, तो गाइस देख सकते हो कितना लीन मार दिया, अभी एक और लीन मारते हैं, ये एक और लीन मारते हैं, ओ माय गॉड भाई यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, एक हाथ से लीन मारना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, अभी ज़्यादा नहीं मारेंगे क्योंकि गिर जाएंगे और इस साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यार। तो इधर से मेरे को राइड में जाना है और यहाँ पे एक्सीडेंट होता है बहुत ज़्यादा,
अभी लॉरी आ रहा है, लॉरी वाले की अभी मरे आता यार, चलो चलते, बच गया हमें। मुझे लगा उस साइड से आ रहा है, तो इसी साइड से आ गया जहाँ से मुझे जाना था। अच्छा हुआ बच गए। यहाँ पे देखो टावर कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, एंड पे। तो अभी हम घर आ चुके, तो हमने ले लिया है एक कपड़ा, और इस कपड़े से हम अभी पूरे अपने साइकिल में जहाँ जहाँ पे मिट्टी लगी है वहाँ वहाँ पे साफ़ करेंगे। तो यहाँ पीछे हमने साफ करना स्टार्ट कर दिया है, अभी पूरा साइकिल साफ़ करेंगे, उसके बाद साइकिल को जहाँ से निकाला था वहीं पर वापस रख देंगे। सो फ्रेंड्स नाउ सी माई साइकिल इज़ गुड एज न्यू। तो ये भी मतलब क्या बोले, अब देखो बिल्कुल नया जैसा, जैसा कि पहले था नया वैसा ही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको आराम से कपड़े से साफ़ किया है। जल्दबाजी नहीं करना है आपको, आपको भी ऐसे साफ़ करके रखना है जब भी आप एक गंदगी वाले, गंदगी नहीं भाई, जब भी आप टूर के मतलब घूम के आओ बाहर से, तब आपको एक बार अपने साइकिल को साफ़ कर लेना है।